स्मार्ट न्यूज चैनल ए वन न्यूज चैनल के स्वागत प्रिय वीक्षक इंदु अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स वतिया हज उम्रा ट्रिप हमको उम्रा हो हद्दू जन सदस्य दावणगेरे हाँ और संपूर्ण ट्रेनिंग अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स वतिया बनी वीक्षक वीक्षण वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो यहाँ पर एजेंट्स है नासिर हुसैन साहब और आबिद अली खान साहब हमारे साथ में है। यहाँ पर एक उम्रा को नई टीम जा रही है और इसके लिए आज ट्रेनिंग रखा गया था। नासिर हुसैन साहब के पास थोड़ा इसके बारे में तफसील से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नासिर साहब, ये अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स स्टार्ट होके कितने साल हो गया है? अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स शुरू होके तकरीबन 7 साल हो गया। 7 साल से हम लोग उम्रा भेज रहे हैं और हज को भी लोग जा रहे हैं, तो सर्विस बहुत अच्छा सर्विस है। और दूसरा, अब कोरोना की वजह से 2 साल हज और उम्रा दोनों बंद था। मेरे मालिक के दुए से इस बार हज भी होने वाला है और उससे पहले उम्रा भी शुरू हो चुका है। अलीफ एविएशन की तरफ से इस बार 7-9 तारीख को उम्रा के लिए रवाना हो रही है दावणगेरे से हमारे एक बैच, और वहाँ से वापसी 23 मई ये डेट को वापस आने वाली है। तो मैं इन उम्रा जाने वालों को हमारे अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर में नासिर हुसैन और आबिद अली खान और हमारे रशीद अंकल जो है हमारे एक गाइडलाइंस जो भी है उनके गाइडलाइंस के ऊपर चल रहा है ये, और अलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की वजह से इन हर हाजी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करे और इनके सफ़र में आसानी अता फरमाए। और सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हज उम्रा के लिए इस बार रवाना हो रहे हैं ये हाजी सब इतवार के दिन बरोज़े इतवार फौरन मगरिब के बाद दावणगेरे से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। जो भी दावणगेरे के हजरत या इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, इनके आसान सफ़र के लिए दुआ करें और इनका उम्रा कबूल होने के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको राब्ता करना पड़े तो आपको आपके ऑफिस किधर पर है वो सब थोड़ा तफसील से बताएं। जी देखिए, हमारे ऑफिस 7 साल से दावणगेरे के KB एक्सटेंशन फर्स्ट मेन रोड 6th क्रॉस पे हमारा ऑफिस है। जो भी राब्ता करना चाहें, मैं नासिर हुसैन हूँ और आबिद अली खान, हम दोनों से राब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 9343382577। जब कभी भी आपको उम्रा या हज के वगैरह बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे 24 आवर्स 24x7 आप जानकारी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर पासपोर्ट नहीं है किसी के पास तो उसका इंतज़ाम आप करवा के दे रहे हैं, कैसा है? जी ज़रूर, पासपोर्ट के लिए तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट है। रिन्यूअल पासपोर्ट्स, फ्रेश पासपोर्ट्स, और अगर आपको किसी को एक दिन 24 आवर्स में पासपोर्ट चाहिए तो भी इसका भी हम लोग इंतज़ाम करेंगे, और जो भी पासपोर्ट के जो भी प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करके देंगे। तत्काल भी पासपोर्ट आप बना के देंगे? जी ज़रूर, तत्काल भी बना के देंगे, सिर्फ 24 आवर्स में। शुक्रिया। हमारे साथ आबिद अली खान साहब है, उनसे भी बात करेंगे, इसके बारे में तफसील से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबिद अली साहब, आप यहाँ पे जो उम्रा को जा रहे हैं उनका इंतज़ाम वगैरह के ट्रेनिंग वगैरह सब दे रहे थे, हम लोग तफसील से देख रहे थे, इससे पहले कितनी बैच गई है? अब तक हमारी तकरीबन 18 से 20 बैच जा चुके हैं, उसमें मैं 15 से 16 बैच बुलालिक जा कर आके हूँ, और हमारा इंतज़ाम तो सही पूरा हर तरीके से सही रहता। क्या भी कोई भी खामियां रहे तो हमारे से रास्ता कर सकते हैं, हमारे मक्का मदीने में भी हमारे गाइड्स रहती हैं, हमारे आलिम लोग रहती हैं, सभी वहाँ से रास्ता कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं हुए सर का उम्रा करा ले कहते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके आदमी उधर लॉड्ज में हो और मक्का के पास हो तजारत कराने के लिए, आलिम के साथ और आपके आदमी भी रहते हैं क्या? हमारे आदमी 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, वहाँ जिद्दा एयरपोर्ट से लेकर और जिद्दा एयरपोर्ट तक आने से और जाने तक उनके साथ ही रहते। शुक्रिया। हमारे साथ एक यहाँ पर मशहूर हस्ती रशीद अंकल है, साथ में हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पर सबको अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अंकल, आप यहाँ पर सब लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब तक आपका उम्रा और हज कितनी बार हो चुका है? मैं 2 बार हज किया हूँ मेरे आलिया के साथ, 1 बार उम्रा किया हूँ मेरे आलिया के साथ। अब जो है मेरा अब एक रवान रोज़ा रवान क्या हो गया है,
हर उम्र वालों को या हज को या हुज्जाज या क्राम जो भी हज को जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग घर में देता हूँ मैं। ये सिलसिला करीबन करीब अब तक हमें 10-15 साल से ये सिलसिला है, अब भी जारी है, इंशाल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। और हमारे साथ 4 बार उमरा कर चुके हैं, 5वीं बार उमरा को जाने वाले कलंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ के बारे में आप तफसील से थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। अलिफ कंपनी से मैं ये 4थी बार जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अलिफ कंपनी हर दिन सुबह और शाम हर लॉज में जितने भी उजाद इकराम रहते हैं उन्हें साथ इकट्ठा करके उन्हें कोई भी प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, मेडिसिन का प्रॉब्लम, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम, या कल सुबह कहाँ जाने का है, क्या करने का है, इसके बारे में तफसीलात सुबह 8 तक इंशाल्लाह तुम्हें नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले या खाना उधर मिलेगा, ये सब इंतज़ाम उन्हें दिखा को फौरन जाती हैं। फौरन जाने के बाद में जो जिस दिन सवेरे दूसरे दिन काम ही जाने करता वो वक्त हमें पूरा मुकर्रर रहना। और वहाँ पर व्हील चेयर का हो, अगर बुजुर्ग जाते रहते हैं उसका सारा इंतज़ाम वहाँ पर अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से ही करवाया जाएगा। जी बेशक। शुक्रिया। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك